आज का दिन उन टीचर्स को समर्पित है जो नहीं डरते अंधकार से, खुद सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे इनके डर से घट जाते हैं। हमारे जीवन का निर्माण करते करते हमारी बौद्धिकता में प्राण भर जाते हैं। हमारे जीवन का निर्माण करते करते हमारी बौद्धिकता में प्राण भर जाते हैं। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। चंद किस्से तुम्हें अब सुनाएंगे हम, स्टूडेंट्स और टीचर्स का अनोखा रिश्ता दिखाएंगे हम। मैं लाई हूँ आपके लिए एक हास्य खजाना, यह केवल व्यंग्य है ना सच इसे समझ जाना, क्योंकि हास्य जीवन में जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स से, टीचर्स के सवाल और नटखट स्टूडेंट्स के अनोखे जवाब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलो अपना अपना होमवर्क निकालो। मैम पर मैम, मैंने तो अपना होमवर्क किया ही नहीं। पर तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम क्योंकि लाइट नहीं थी। तो फिर मोमबत्ती जला लेते। मैम मोमबत्ती माचिस से जलती है और माचिस पूजा कर मिलती। तो ले आते। मैम मैं नहाया नहीं था ना। अब तो नहाए क्यों नहीं थे? मैम क्योंकि मोटर नहीं चल रही थी। अब ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? मैम वो तो मैंने आपको बताया था कि लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम जवाब देना। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम। तो फिर तुम जवाब कैसे दे रहे हो? अच्छा तुम अब ये बताओ कि अगर तुम रोज बादाम खाओगे तो क्या होगा? मैम और क्या होगा, सारे बादाम खत्म हो जाएंगे। छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बादाम बम कि अगर कोई बम रख दे तो तुम क्या करोगे? मैम अगर कोई ले गया तो ठीक है, अगर नहीं ले गया तो मैं स्टाफ रूम में रख दूंगा। मैम मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैम सब लोग हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, कोई मैथ में बात क्यों नहीं करता? ज्यादा 3-5 मत कर, 9-11 हो जा, वरना 6-36 नजर आएंगे और 32-32 बाहर आ जाएंगे। मैम सॉरी, मैम हिंदी और इंग्लिश ठीक है, मैथ तो अच्छी नहीं है बोलनी। अच्छा ठीक है, कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, अब मैं उससे क्वेश्चंस पूछूंगी। किसने किससे कहा? ओके मैम। अच्छा बेटा तुम क्या खाओगे? मैम बर्गर, आलू का पराठा, फ्रेंच फ्राइज और साथ में एक पेप्सी। मैं तुमसे ऑर्डर नहीं ले रही हूँ, तुमसे चैप्टर के बारे में पूछ रही हूँ, तुम तो रहने ही दो। अच्छा मैं तुम्हें सेंटेंस दे रही हूँ, अब तुम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अच्छा राहुल सुंदर है। मैम एक डाउट है। पूछो। मैम अगर राहुल सुंदर है तो सुंदर कौन है? मतलब? मैम हमारे पड़ोस में एक सुंदर रहता है। मैम अगर वो बच्चा सुंदर है तो राहुल सुंदर कौन है? चलो मैं आज का सेशन यही खत्म कर रही हूँ। अच्छा चलो मैं आज का सेशन यही खत्म कर रही हूँ, बाय। बाय मैम। हेलो बच्चों, ये बताइए कि अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके ऊपर सेल नहीं करता तो हमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कैसे पता चलता? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। मैडम बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कोई आविष्कार नहीं कर पाते। क्लास में सब सो रहे हो क्या? नहीं टीचर, गुरुत्वाकर्षण नीचे गिर रहा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कर लो पहले ये वाला क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस इट फटाफट अभी जल्दी। ओह
हाय एवरीबॉडी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी अ टीचर, जस्ट ट्राइंग, आई नो आई कांट बी. एक्चुअली पता है बहुत आसान होता है बात कहना कि 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाने में क्या डिफिकल्टी है, यूं तो हो जाता है, बट एक्चुअली इट इज सीरियसली वेरी डिफिकल्ट. जब हम शायद अगर उनकी जगह खड़े हों तब थोड़ी हमें पता लगेगा कि वाकई बहुत मुश्किल होता है कि 40 बच्चों को पढ़ाओ भी और उसमें से हर एक पे नजर भी रखो कि कौन क्या कर रहा है. आई थिंक टीचर्स को थैंक यू करना इज नॉट दैट मच ईजी, और शायद मैं तो कर भी ना पाऊंगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनको थैंक यू करने के लिए, और उनको जितना भी कर लो थैंक यू इट्स सो लेस, हमेशा कमी रहेगा. बट इन सम सिंपल वर्ड्स आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल द टीचर्स थ्रू आउट द कंट्री हु हैव बीन वर्किंग फॉर सो हार्ड फॉर सो लॉन्ग ईयर्स फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द यूथ. थैंक यू सो मच. और शायद इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि माता पिता की मूरत है गुरु, माता पिता की मूरत है गुरु, और कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु. थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू. आशा है हमारे नटखट छात्रों ने आपको खूब हंसाया, अपनी हास्यात्मक प्रस्तुति से महफिल में रंग जमाया. मित्रों, यह केवल हास्य प्रस्तुति थी ना, इसको सच समझना, क्योंकि प्रस्तुति का मकसद था केवल दिलों को खुश करना. टीचर्स का सम्मान सदा हमारे दिल में था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि शिक्षक है शिक्षा का सागर, वह तो बांटे ज्ञान बराबर. बच्चों के भविष्य को सजाते हैं शिक्षक, उन्नति का मार्ग दिखाते हैं शिक्षक, उन्नति का मार्ग दिखाते हैं शिक्षक.